नमस्ते दोस्तों, मैं चंचल देवी। आज मैं आपके सामने एक नया रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है नारियल की खीर। आपने हमारे जो गाने हैं भक्ति रस, आपने इस गाने को बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही मेरा साथ दिया। आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए और मैं आप लोगों का मनोरंजन करती रहूँगी। तो चलिए, तो देखिए, हमने सबसे पहले एक नारियल तोड़कर और उसका पानी निकाल दिया। एक नारियल है और उसको अच्छे से छील दिया है, तो जो कि इसका कलापन जो है ना, निकल जाने से अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी। हमने 10 बादाम लिए हैं, 10 काजू है, 3 इलायची और छोटी सी ये किशमिश ली हूँ। थोड़ा गार्निश के लिए मैंने केसर रख लिया है। ये 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, जो हमारे खीर को बहुत ही यम्मी और गाढ़ा बनाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है कस्टर्ड पाउडर डालने से। और ये हमारा 250 ग्राम चीनी हो गया, और ये हमारा 1 केजी दूध। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाही लेकर और गैस को ऑन कर देंगे। अब हम अपने कद्दूकस करने वाले पर ये नारियल को ना ऐसे बारीक बारीक कद्दूकस करेंगे, जो हमारा चावल का रूप ले लेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अब ये हमारा दूध जो है बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें अपना जो नारियल है वो डालेंगे। और अब हम इसे चलाते रहेंगे। 10 मिनट चलाने के बाद देखते हैं हमारे इसका क्या रुख होता है। अब हमारा 10 मिनट हो गया है और काफी थोड़ा कुछ गाढ़ा हो गया है खीर हमारा। तो चलिए, अब हम इसमें मिलाते हैं अपना ये बादाम। ये किस्म अब हम काजू मिलाएंगे। अब किशमिश मिलाएंगे, और जो ये इलायची थी उसको मैंने थोड़ा कूट कर इसको फाड़ दिया। अब इसमें डाल देंगे और इसके 10 मिनट के बाद देखते हैं इसका क्या रूप होता है। अब हमारा 10 मिनट हो चुका है और हमारे खीर थोड़ी देर में बनकर तैयार होने वाली है। तब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर है जो, उसको घोल कर डालते हैं। तो जब तो मैंने तो ठंडा दूध ही ली हूँ और इसको घोल दिया। देखिए कितना अच्छे से घुल गया ये। और अब हम इसको अपने खीर में डालेंगे। तो हमारी खीर इतनी गाढ़ी और लाजवाब बनेगी, वाह। देखिए अब हमारा ये खीर, अब देखिए हमारा खीर तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी हम इस आंच को बिल्कुल ही स्लो कर देंगे, क्योंकि जब भी हम भी कस्टर्ड पाउडर डालते हैं इसके बाद आंच को बिल्कुल स्लो कर देते हैं, ताकि हमारा ये नीचे साइड में पकड़े नहीं। और चलाते हुए इसमें और इसमें चीनी डालेंगे और हम इसे चलाते रहेंगे बिल्कुल स्लो आंच पर। अब हमारी ये खीर जो है ना बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। इसमें काजू, बादाम और जो किशमिश और जो इलायची की खुशबू आ रही है ना, लाजवाब ही है। बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा काजू, थोड़ी
थोड़ी सी बादाम और जो अपना केसर है ना इसे डेकोरेट करेंगे तो वाह क्या लाजवाब। ये नारियल की खीर है, आप इसे जरूर बनाइए और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए कि कितनी लाजवाब सुंदर यम्मी टेस्टी।